बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि हमने इवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सोर्स शुरू किया, ये सेकंड कोर्स है, ये इसी करिकुलम से हमने आज किया। दिस का लेक्चर नंबर 3 हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी की जो है ना हिस्ट्री बहुत ज़्यादा एक गोल्डन पीरियड से होके अभी प्रेजेंट दौर तक आ रही। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इस पर रोशनी डालेंगे कि लाइब्रेरियन कब से आज तक जो है ना किस हैसियत में आई हुई, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन लाइब्रेरी की क्या है। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड। व्हाट इज लाइब्रेरी? पहले तो ये हमें जो है ना पता हो कि लाइब्रेरी क्या चीज़ है। तो लाइब्रेरी या जो है ना लाइब्रेरी ट्रेडिशनली इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स यूज फॉर रीडिंग और स्टडी। लाइब्रेरी जो है ना बुनियादी तौर पर किताबों का मजमू है जिसमें रीडिंग मटीरियल स्टडी पर्पज के लिए, या जैसे कहते हैं आर द बिल्डिंग आर रूम इन विच सच कलेक्शन इज केप्ट, ऐसा बिल्डिंग या ऐसा कमरा जिसमें कलेक्शन को महफूज किया जाता है। द वर्ड डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लाइबर। ये जो लाइब्रेरी का लफ्ज़ है ये लैटिन लफ्ज़ लाइबर से निकाला, माहौज किया गया है। इसका मतलब क्या है? बुक यानी किताब। वियर एज लैटिनाइज ग्रीक वर्ड। जहाँ तक जो है ना लैटिनाइज ग्रीक वर्ड की बात है तो इसको क्या कहते हैं? बिब्लियोथेका, विच इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड फॉर लाइब्रेरी इन जर्मन। ये ओरिजिन है जर्मन की लफ्ज से रशियन एंड द रोमांस लैंग्वेजेस। थ्रू आउट हिस्ट्री लाइब्रेरीज हैव सर्वड एज अ वाइटल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। लाइब्रेरी का क्या काम क्या है कि कदीम जमाने से लेकर अब तक ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन की जो है एक बुनियादी जुज़ है जिसका काम है कल्चरल हेरिटेज यानी सकाफती विरसे को महफूज करना। फोस्टरिंग इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी। इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी क्या है? जो रिसर्च के लिए कोई चीज़ चाहिए लाइब्रेरी मुहैया करती है। प्रोमोटिंग लिटरेसी एंड एजुकेशन। लाइब्रेरी का काम क्या है? लिटरेसी रेट को बढ़ाना है और एजुकेशन के जो है ना वो सिचुएशन को बढ़ाना है। एंड प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर ऑल मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी। और इसका जो बुनियादी मकसद है कि इक्विटेबल एक्सेस यानी मतलब बराबरी की सतह पे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना किन को? मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। दे रिमेन एसेंशियल पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जहाँ तक डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इसको सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सपोर्ट करना, कम्युनिटी को एंगेज करना एंड एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड कल्चर, नॉलेज की जो ना बढ़ोतरी करना और कल्चर को जो ना परवान चढ़ाना, ये लाइब्रेरी का अहम वतीरा है। द हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज इज रिच एंड डाइवर्स डेटिंग बैक थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हिस्ट्री के लिहाज से अगर लाइब्रेरी को देखा जाए तो ये थाउजेंड ईयर्स से पुरानी एक सिलसिला जारी रहा। हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ की डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज। यहाँ पे हमने जो ना कुछ चीज़ें ऐसे खाता किए जो लाइब्रेरी की तारीख पे मबनी है। तो अगली स्लाइड्स में हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज की हिस्ट्री क्या है? एंशियंट लाइब्रेरीज, द ऑरिजिन ऑफ लाइब्रेरीज कैन बी ट्रेस बैक टू एंशियंट सिविलाइजेशन। कदीम जो तहजीब थी इसी से लाइब्रेरी का ऑरिजिन हमें मिल जाता है, सच एज मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड ग्रीस। मेसोपोटामिया जो ना इराक के शहर और इजिप्ट यानी मिस्र और ग्रीस यूनान से ये लाइब्रेरी का जो ना आगाज शुरू हो गया था। दीज अर्ली लाइब्रेरीज प्राइमरी कंसिडर कंसिस्टेड ऑफ क्ले टेबलेट्स। ये जो लाइब्रेरियाँ थी इसमें ज़्यादातर क्ले टेबलेट्स थी, पेपायरस थी, स्क्रोल्स थे एंड अदर रिटन मटीरियल स्टोर्ड इन टेम्पल्स पैलेसेस एंड रॉयल कलेक्शन। यानी महल्लात में या ये जो शाही दरबार होते थे उसी में एक कलेक्शन को टेम्पल की सूरत में स्टोर किया जाता था। लाइब्रेरी ऑफ एलेक्जेंड्रिया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंशंट लाइब्रेरीज वॉज द लाइब्रेरी ऑफ एलेक्जेंड्रिया। सिकंदरिया की जो लाइब्रेरी है ये भी कदीम पुरानी लाइब्रेरी में से एक, फाउंडेड इन द 3rd सेंचुरी BCE इन एलेक्जेंड्रिया। 3 कबल मसीह को जो ना ये सिकंदरिया में इस लाइब्रेरी का वजूद आ गया था जो कि मिसर, जो मौजूदा मिसर है। इट सर्व्स एज द मेजर सेंटर फॉर स्कॉलरशिप लर्निंग इन द एंशंट वर्ल्ड। इसका काम क्या था? रिसर्च की चीज़ें की फराहम करना, हाउसिंग अ वर्स कलेक्शन ऑफ स्क्रोल एंड मैनुस्क्रिप्ट। इसी में भी बहुत ज़्यादा वसी तर मकदार में स्क्रोल्स पाए जाते हैं और मैनुस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें थी फ्रॉम वेरियस कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मुख्तलिफ इलाकों की और ज़बानों में चीज़ें यहाँ पे मुहैया की जाती।
Medieval monastic libraries. During the Middle Ages, monastic libraries played a crucial role in preserving and transmitting knowledge. Monastic and scriptoria served as a center of manuscript production, copying, and preserving ancient texts and religious manuscripts. Medieval monastic library में क्या क्या चीजें थी जो monastery के और ऐसे scripture जो कि वहाँ के मजहब पे मबनी और वो सारी चीजें जो ना यहाँ पे मुहैया की जाती थी और ये रिसर्च में और रेफरेंस के तौर पे बहुत अहम रोल अदा करती थी. रिनेसेंस एंड ह्यूमनिस्टिक लाइब्रेरी. द रिनेसेंस रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लासिकल लर्निंग एंड आर्ट्स लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी बाई विल्थी पेट्रल स्कॉलर्स एंड ह्यूमनिस्टिक इंटेलेक्चुअल्स. रिनेसेंस पीरियड्स जिसे ह्यूमनिस्टिक लाइब्रेरी कहा जाता है ये इसका एक आगाज हो गया था. दिस लाइब्रेरी प्लेड अ की रोल इन द डिसिमिनेशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक आइडिया एंड रिवाइवल ऑफ क्लासिफिकेशन लिटरेचर एंड फिलासफी. फिलासफी से रेलिवेंट और क्लासिक लेक्चर से रेलिवेंट चीज़ें नेशनल ह्यूमनिस्टिक लाइब्रेरी में पाई जाती थी. अब जो आखिरी स्लाइड्स है इसमें मैंने कुछ लाइब्रेरियाँ कवर की पब्लिक लाइब्रेरीज की. पब्लिक लाइब्रेरीज कब और कहाँ पे मतलब हमारी वजूद में आई थी. The 19th and 20th century witnessed the emergence of public libraries as institutions dedicated to providing free access to information and education for all members of the society. Public library का जो concept है 19वीं और 20वीं century में वजूद में आया हुआ था और इसका काम किया था कि equal base पे society के तमाम लोगों को access provide किया जाए. The establishment of public library was driven by the belief in the importance of literacy, education and civic engagement. पब्लिक लाइब्रेरी का बुनियादी मकसद क्या था कि लिटरेसी रोड को उजागर किया जाए, एजुकेशनल नीड्स को भी उजागर किया जाए साथ और लोगों को इसमें इंगेज किया जाए. लाइब्रेरी साइंस एंड प्रोफेशनलाइजेशन. द लेट 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरी सा द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस एज ए डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी एंड प्रोफेशनल पर्पसेस. लाइब्रेरी साइंस की जो ना वो वजूद का 19 और 20 सेंचुरी के अवाइल में शुरू हुई थी. लाइब्रेरी स्कूल्स वर एस्टेब्लिश टू ट्रेन लाइब्रेरीज इन केरला क्लासिफिकेशन रेफरेंस सर्विस एंड कलेक्शन डेवलपमेंट. अच्छा इसी स्कूल में लाइब्रेरी को प्रोड्यूस किए जाते थे. उसका काम क्या था कैटलागिंग सीखना क्लासिफिकेशन रेफरेंस सर्विसेज और कलेक्शन डेवलपमेंट के तरीके से करना. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी ब्रॉट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दैट ट्रांसफॉर्म लाइब्रेरीज इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटराइज कैटलागिंग सिस्टम ऑनलाइन डेटाबेसिस एंड डिजिटल लाइब्रेरीज. These technologies revolutionized access to information and expanded the scope of library services. Technological innovation जो है ना 20th century में वजूद में आ गई थी जिसका काम था कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को डिवेलप करना, कैटलॉगिंग को प्रोमोट करना, ऑनलाइन डेटाबेस की तरफ लोग चले गए और डिजिटल लाइब्रेरियाँ जो है ना हमारे वजूद में आ गई. उस टेक्नोलॉजी का मकसद क्या था कि इक्विटेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और इसकी लाइब्रेरी की सर्विसेज की स्कोप बढ़ाया जाए. 21st century libraries. In the 21st century libraries, these are totally different. In the 21st century libraries continue to evolve in response to changing technological demographics and user needs. Acha, isi sadi mein jo hum maujooda contemporary century kehte hain, yani 21st century jisme main aur aap reh rahe hain, in the library mein jo na ajeeb irtiqai manazir aa gaye. User needs ko samne nazar rakhte hue libraries increasingly embrace digital literacy. लाइब्रेरियाँ अब जो ट्रेडिशनल सर्विसेज उसको डिजिटाइज कर रहे. मल्टीमीडिया कलेक्शंस अब आ गई, मल्टीमीडिया कलेक्शन आ गई, ऑनलाइन सर्विसेज आ गई टू मीट द नीड्स ऑफ डाइवर्स यूजर पॉपुलेशन इन एन इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज एंड डिजिटाइज वर्ल्ड. मकसद क्या है कि जो लोग हमारे यहाँ रीजन के किसी भी मतलब कहीं कहीं पे भी हो लॉग इन पासवर्ड पे उनको डाइवर्स चीज़ों की जो इंफॉर्मेशन मुहैया की जाती है ताकि ग्लोबलाइज डिजिटल वर्ल्ड बनाया जाए. मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी. मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें. वमा अलैना इल्लल बलाग. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि.